6:22 हम निकल रहे हैं वॉकिंग के लिए, तो लेट हो गया थोड़ा सा क्योंकि जान रहे हो पार्टी में गए, तो हाँ आते सोने में लेट हो जाता है। 12:30-1 बजे हम सोए, तो अब जस्ट उठे 5:30-6, तो अब निकल रहे हैं बढ़िया वॉकिंग करने। चलते हैं मस्त इसी तरफ वृंदावन ग्राउंड की तरफ जाते हैं, वॉक करके आते हैं अपना मस्त और फिर साइकिलिंग कर फिर स्कूल। तो वॉकिंग करते करते बढ़िया वृंदावन लॉन से आगे निकल चुके हैं भाई रोज की तरह। और देख रहे हो ना सामने दौड़ पड़ रहे हैं, इस टाइम लोग रिटर्न हो जाते हैं भाई और हम अभी आते हैं रात को। अभी ऐसे यार लेट सो रहे हैं तो सुबह नींद खुलनी ही खुलनी है। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, श्री शिव नमस्तुभम, श्री शिव नमस्तुभम, श्री शिव नमस्तुभम, श्री शिव नमस्तुभम, जय श्री राधे कृष्ण। मस्त भोलेनाथ के दर्शन हुए भाई एंड अब जा रहे हैं आगे जैसा कि रोज जाते हैं, तो बढ़िया चलते हैं आगे तक वॉकिंग करते हैं मस्त। एंड इतनी धूप हो जाती है कि उसी के चलते काफ़ी दिनों से जो है लॉन्ग राइडिंग नहीं हुई हमारी साइकिल पे, तो पता नहीं अब कब होगी। बट मौसम अब जब ठीक होगा तो फिर संडे वगैरह को करेंगे, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो हो नहीं पा रही है लॉन्ग राइडिंग। तो मस्त वॉकिंग करते करते हलवा कचौरा पहुंचने वाले हैं भाई, और देखो पूरा इस तरफ तो बढ़िया। चलते हैं उस बोट तक, देन वहाँ से रिटर्न NH-30, फिर NH-30 से फिर आएंगे यहाँ। तो आज ऐसे कर लेते हैं वॉकिंग, हाँ सीधा नहीं चलते। तो ये वॉकिंग करते करते NH-30 पहुँच गए भाई, अब यहाँ से फिर एक राउंड मुड़ेंगे पूरा हलवा कचौरा के लिए। तो बढ़िया वॉक करते करते 4.5 किलोमीटर वॉकिंग, और सेम लालबाग ट्रैक टाइप का हो गया भाई, वहाँ पे 4 राउंड मारने पड़ते हैं, यहाँ पे 2 राउंड 2 सर्कल, तो लास्ट तक जाएंगे फिर वहाँ से रिटर्न। तो घर पहुँचे तक 8 तो नहीं हो पाएंगे, बस 7-7.5 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे, बाकी फिर ऐसे ही कर लेंगे घूम के मस्त। तो इस तरह पूरे जोंदे की खेती कट चुकी भाई सामने की, पीछे साइड बची है अभी भी, तो कट रहा है धीरे धीरे उस तरफ भी। देखो देखो काट रहे हैं, और धूप अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है बिल्कुल। फाइनली वापसी होते हुए भाई, अब घर पहुंचते तक सीधे 8 किलोमीटर जाएंगे, कोई कवर नहीं करना है कुछ नहीं, क्योंकि इसी तरफ हम आगे चले गए थे हलवा कचौरा पूरा बस्ती के अंदर, तो मस्त चले गए। अब जा रहे हैं रिटर्न, तो घर पहुँचते तक 8:15 हो ही जाएंगे, फिर राइडिंग निकलना है हमको निराम बिहारी में। तो वॉकिंग करते करते वापस आ गए हैं हम वृंदावन लॉन के पास भाई, और शायद लास्ट नाइट यहाँ पार्टी हुई थी तो पूरा खाना जो है यार वेस्टेज, इतना ज़्यादा यहाँ बाहर फेंक दी, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है। जबकि एक लड़का है हमारे शहर में रोटी बैंक वाला, वो अक्सर पोस्ट भी डालता है कि अगर ऐसा कुछ लगे कि बच जाए खाना तो हमसे संपर्क करें और ज़रूरतमंद लोगों तक हम खाना पहुँचाएँगे, और वो लड़का काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि खाना ऐसे वेस्ट ना करें यार, अगर बच जाता है तो उससे संपर्क करें। और फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल डली हुई है बंदे की, रोटी बैंक गीतेश सिंघाड़े संघड़े ऐसे कुछ नाम है शायद, कंफर्म तो नहीं, गीतेश नाम है। तो आप उसे फेसबुक में कांटेक्ट करके उसे खाना दे सकते हैं, या कपड़े हों पुराने तो वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से खाना कम से कम वेस्ट नहीं होगा यार,
तो फिलहाल जा रहे हैं हम वापसी, तो ये रास्ते में दिख गया तो हमें सोचा कि बता दें आप लोग को। तो इस तरह से खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का आदर करें, अनादर ना करें। देखो सामने पूरा कितना फेंका हुआ, स्मेल इसमें इतनी खतरनाक है। तो ये NH-30 बस पहुंचने वाले हैं। मस्त हो गई वॉकिंग कंप्लीट भाई, अब चलते हैं राइडिंग करने। बढ़िया, एक गेट खोल। तो मस्त राइडिंग में निकल गए भाई। तो हम घर पहुंचे तो जो हमारे यहाँ सर्वेंट है सीमा, तो वो अभी जस्ट पोछा मार के हटी थी और हम साइकिल लेके निकल रहे थे। साइकिल में थी मट्टी, चक्के में रहेगी भाई क्योंकि घर बन रहा है सामने। तो वो जो लेबर है शाम को डेली पैर हाथ धोते होंगे, अपना पूरा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। और अभी कच्ची सड़क है, रोड बनानी है वहाँ, तो मिट्टी मिट्टी था। वो बोलती भैया मैं उठा के बाहर कर दूँगी साइकिल, तो हम फिर खुद उठाए और बाहर निकल गए। और मस्त राइडिंग करते करते भोलेनाथ के द्वार तक आ चुके हैं, लिंगेश्वर महादेव के। और अभी जाएंगे बढ़िया आड़ावाल चौक तक। सो ये राइडिंग करते करते हलवा का जो राइडिंग, आड़ावाल से रिटर्न जाते हुए भाई वापस, और अब चलेंगे बढ़िया हाट उड़ा की ओर। उड़ाला मार के उस ओर चलेंगे, तो ऐसे ही करेंगे आज फिर से राइडिंग। तो मस्त राइडिंग करते करते धुरगुड़ा की ओर जा रहे हैं भाई, हाटगुड़ा से। राइडिंग करते करते धुरगुड़ा से आगे आ चुके हैं भाई, बाबू सिमराले मार्ग में जा रहे हैं। तो देखते हैं जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक चले जाएंगे, देन फिर रिटर्न, क्योंकि उस तरफ चलाना नहीं पड़ेगा अगर इसी तरफ पूरा कर लिए तो। कोशिश करते हैं इसी तरफ राइडिंग कर लें अपनी कंप्लीट। बाबू सिमरा एंट्री। तो ये राइडिंग करते करते हम आ चुके हैं भाई प्रयास स्कूल के जो बैक साइड में एक डामर रोड है वहाँ पे। फाइनली अब वापस होते हुए सेम उसी मार्ग से धुरगुड़ा से तो आ गए थे, अब ये वाला जो प्रयास स्कूल के तरफ वाला जो रास्ता है उस तरफ से वापसी जैसे आए थे। तो आई थिंक हो जाने चाहिए, 17 किलोमीटर नहीं होगा तो फिर करेंगे। हाथ उठाने में अभी भी तकलीफ है यार, इसलिए मोबाइल का एंगल जो है वो नीचे रहता है लेफ्ट हैंड में, थोड़ी सी मेहनत और हल्का सा हाथ उठ पाता है। तो आई थिंक ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ये फाइनली NH-30 सामने, और घर पहुँचते तक तो हो ही जाने 17। भाई राइडिंग हो गई कंप्लीट राम प्यारी के संग, टाइम भी हो रहा है 9:20, तो चलते हैं फटाफट रेडी होते हैं यहाँ। रेडी हो गए, भागना है चक्का, कुछ काम निपटा के फिर आएंगे घर। ना धूप हो जाता है यार इस टाइम, बस में जाने के लिए दिक्कत है। तो बस में ही जाएंगे, नहीं जाएंगे बाइक में, क्योंकि साहू सर आ गए तो साहू सर से फिर बैठ के हम चले जाएंगे अंदर तक। फिलहाल चलते हैं, रेडी होते हैं मस्त। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम जी। राम राम जी। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। लड्डू उठ गया सोके? कब उठा लड्डू सोके? साढ़े ग्यारह बजे। इधर देखो, आप दिख ही नहीं रहे हो। क्या खा रहे लड्डू? नारियल है?
नारियल खाना है? अरे बावले नारियल खाएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ जोड़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये देखो भाई, लड्डू महाराज हमारे आ गए, मस्त आ गए, मस्त आ गए। यो यो मिलेंगे नहीं बजरंग, मिलेंगे नहीं बजरंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग का, हर महादेव। तो भाई ये रट लगा लिया है, पता नहीं क्या है इसे, सिर्फ यही बोलते रहता है दिन भर, चलते फिरते उठते बैठते से यही लाइन दोहराता है, रट लिया ना किसी चीज को, रट लेता है, कैचिंग पावर अच्छा है इसका। तो चलते हैं, रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए। हम लोग स्कूल से आते हैं लड्डू, ओके मामा जी आते हैं स्कूल से, ठीक है, ओके ओके शू शू शू। तो चलते हैं भाई, रेडी होते हैं, मस्त अगर निकल गए चलते हैं, पूजा करते हैं मस्त, और पूजा करके फिर कुछ खाते हैं एंड स्कूल आज नहीं जाएंगे, स्कूल कल जाएंगे, तो कल है काम, तो कल चलेंगे स्कूल। वो अभी कुछ रिपोर्ट्स है वो बनाने हैं, तो रिपोर्ट वगैरह बना लेते हैं गूगल में, देन फिर उसके बाद करेंगे आराम, संभव सर मस्ती करेंगे बढ़िया देख बार आज। फिलहाल चलते हैं पूजा करते हैं कहीं मस्त, भगवान जी को मत्था पड़ते हैं जाके। भाई ये हमारे मंदिर, जय भगवान जी, जय बाबा जी। और ये हमारे लड्डू महाराज हैं छोटे से, और लड्डू महाराज और मामा जी मैचिंग मैचिंग रेड रेड। तो भाई रट लगा लिया है अभी, तो पहले तो चलो करते हैं अब नाश्ता, और मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं। चीज ब्रेड विथ सॉस, टमेटो सॉस, गार्लिक सॉस, मज़ा आ जाएगा खा के। मज़ा आ गया, दर्शन हो गए भाई, जल चढ़ा लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 जय नंदी महाराज, जय बजरंग बली। जय भोले शंकर। हम आ गए महादेव घाट वाले शिव मंदिर में, आज यहाँ गंगा पूजन, गंगा दशहरा है तो उसी उपलक्ष्य में गंगा पूजन। ये लड्डू महाराज हुआ, इंद्रावती नदी, भाई भीड़ हो गई इकट्ठा, गंगा दशहरा जगदलपुर, काशी विश्वनाथ गंगे, thank you।
शाद के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ भाई। क्या करने आया उधर? कहाँ गया था तू अभी? कहाँ गया था अभी तो? मम्मा जी क्या किया था? आरती किया? आरती किया सब काम? जय लक्ष्मी माया। तो कहाँ गया था वो? दिल्ली का है। क्या खाएंगे हम लोग? डोसा खाएंगे। क्यों भी आ रहा है अब तो मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा आएगा ना? मज़ा आ जाएगा भाई। अरे ये रट लगा लिया, 5-6 दिन से रट लिया। ओके ओके। सुबह ही बोल रहे हैं, सुबह जय श्री राम बोलते हैं, शाम को भी जय श्री राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम। राधा महादेव भी बोल रहे हैं। तो भाई मम्मा लोग आ रहे हैं, चाची जी को फोन कर दिए। चाची राजकीय किया जाएगा। मामी भी आ रही है, जानवी मामी आ रही है। बुआ नानी आ रही है, नानी आ रही है, भगवान आ रही, छोटी नानी आ रही है, मामी आ रही है, मामी आ रही है, घी माँ घी आ रहा है। हाँ विक्की मामा को पता नहीं, विक्की मामा नहीं आता हो वो यहीं पर खड़ा हो। विक्की मामा नहीं, विक्की मामा, विक्की मामा बदमाश। डोसा पार्टी भाई, केरला होटल। वो क्या खा रहा है? डोसा पार्टी। ओ भाई प्लेन डोसा केरला होटल। नमस्ते भाई। आ गए घर और बज चुके हैं 10:30। संभव भी आ गया है घर, डोसा खा के आए ना। तो आई होप गाइज आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। कल मिलते हैं। टाटा बाय। ओके एक मैंने इसको बाल बना ली। बाल फेंक। तो कल मिलते हैं भाई।